वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। जयपुर में ख्यात चौपड़ के आकार को गोल करने वाले सरकारी अफसरों को आखिरकार अपने कदम वापस खींचने पड़े हैं। लोगों के प्रबल विरोध के चलते गलती सुधारते हुए अब चौपड़ को पुनः चौपड़ के ही स्वरूप में लाया जा रहा है। संबंधित अफसरों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। चौपड़ को गोलाकार करने की हिमाकत की ही क्यों? क्या उन्हें पता नहीं था कि चौपड़ गुलाबी नगर की खास पहचान में शामिल है और परकोटे के लोक जीवन में गहराई तक रची बसी हैं। दरअसल सरकारी विभागों अफसरों को सिर्फ योजनाएं बनाने, काम शुरू कराकर जनता का पैसा बहाने के सिवाय कुछ सूझता नहीं है। दूरदृष्टि तो है ही नहीं। होती तो चौपड़ का महत्व क्या भूल जाते, उन्हें गोल करने की हिमाकत कर पाते। अफसरों ने तो इस तथ्य के प्रति भी गंभीरता नहीं बरती कि जयपुर का परकोटा विश्व विरासत की सूची में शामिल हो चुका है। इसे यह सम्मान चौपड़ जैसी विरासतों के कारण ही तो मिला है। इसके बावजूद आधुनिकता के नाम पर विरासत का स्वरूप खत्म करने निकल पड़े विरोध पर उतरे लोगों को जिम्मेदार अफसर यह तक नहीं बता पाए कि चौपड़ को गोल करने के पीछे कारण क्या है। संबंधित विभागों और अफसरों ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों और खुद सरकार को भी चाहिए कि आइंदा ऐसा न हो। चौपड़ ही नहीं बल्कि विरासत जहां जहां भी है उसका मूल स्वरूप कायम रखा जाए। जरूरत के मुताबिक निर्माण कार्य हों तो हों, लेकिन विरासत से छेड़छाड़ न हो। पहचान को कायम रखते हुए कार्य को अंजाम दिया जाए। अभी परकोटे में स्मार्ट सिटी सहित अन्य प्रोजेक्ट के नाम पर कई प्रकार के कार्य और निर्माण चल रहे हैं। इनमें भी ध्यान रखा जाए कि जयपुर के भीतरी शहर की जो पहचान है, जिसके बूते देश दुनिया के लोग यहाँ खींचे चले आते हैं, उसमें किसी भी तरह का बदलाव न हो। आइंदा जनता को विरोध पर न उतरना पड़े और सरकार को कदम बढ़ाकर वापस न खींचने पड़े। स्टॉप।